हाय, यदि किसी व्यक्ति को पेट में दर्द है, पेट में मरोड़ आते हैं या फिर पेट में गैस का गोला बनता है, स्टूल या शोज पतला आता है या फिर स्टूल में ब्लड आता है तो ये क्रोन्स डिजीज हो सकती है। क्रोन्स डिजीज एक तरह की IBD है। IBD का मतलब है इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज। इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज में हमारी छोटी या बड़ी आंत में सूजन आ जाती है और इनमें अल्सर बन जाते हैं। IBD दो तरह की होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है। मोस्टली ये छोटी आंत और बड़ी आंत को इन्वॉल्व करती है। कुछ मरीजों में ये हमारी फूड पाइप या इसोफेगस या फिर स्टमक को भी अफेक्ट कर सकती है। तो पहले समझते हैं क्रोन्स डिजीज क्यों होती है। हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। पहली तरह के बैक्टीरिया हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं, जैसे कि टाइफॉइड के बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया से हमें बुखार आ सकता है या फिर दस्त लग जाते हैं। नॉर्मल इम्यून सिस्टम इन हार्मफुल बैक्टीरिया को क्लियर करने में मदद करता है। दूसरी तरह के बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं और हमें एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे कि विटामिंस और कैलोरी प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में हमारा इम्यून सिस्टम इन यूजफुल बैक्टीरिया को स्टे करने देता है और इनके खिलाफ कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है। क्रोन्स डिजीज के पेशेंट्स में हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मल बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्टिव हो जाता है। इस हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स से हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत में जख्म बन जाते हैं। अब हम समझते हैं क्रोन्स डिजीज के सिम्टम क्या होते हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि क्रोन्स डिजीज हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकता है। मोस्ट कॉमनली ये बड़ी आंत और छोटी आंत को इन्वॉल्व करता है। यदि क्रोन्स डिजीज में छोटी आंत अफेक्टेड है, ऐसे मरीजों में नाभि के चारों तरफ पेन होता है। ये पेन कंटिन्यूस पेन हो सकता है या फिर मरीज को मरोड़ भी आ सकते हैं। छोटी आंत अफेक्ट होने से मरीजों को दस्त भी लग सकते हैं। ये दस्त पानी की तरह होते हैं और लार्ज वॉल्यूम होते हैं। लार्ज वॉल्यूम का मतलब है मरीज को लगता है कि जितना वो खा रहा है उससे ज़्यादा दस्त हो रहे हैं। दस्त लगने से शरीर में एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी हो जाती है। मरीजों को आयरन और B12 की कमी हो सकती है, जिससे कि एनीमिया या खून की कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से बोन्स में पेन हो सकता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। शरीर में प्रोटीन की कमी होने से पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। कुछ मरीजों में छोटी आंत में रुकावट भी हो सकती है। ऐसे मरीजों में मरोड़ के साथ दर्द आता है, पेट फूल जाता है, मरीज को उल्टियां लग जाती हैं और गैस पास होना बंद हो जाती है और साथ में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और जब हम एक्सरे करवाते हैं या CT स्कैन कराते हैं, इसमें छोटी आंत में रुकावट मिलती है। छोटी आंत अफेक्ट होने से कुछ मरीजों को बुखार भी आ सकता है। अगर मरीज की बड़ी आंत अफेक्टेड है तो ऐसे मरीजों को पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। ये पेन कंटिन्यूस भी हो सकता है और मरीज को मरोड़ भी आ सकते हैं। इसके अलावा मरीज को डायरिया हो जाता है। बड़ी आंत के डायरिया में स्मॉल वॉल्यूम स्टूल आते हैं और मरीज स्टूल या शौच को रोक नहीं पाता है और कई बार शौच के लिए भागना पड़ता है और कई बार कपड़ों में ही शौच निकल सकता है। और कुछ मरीजों को स्टूल में ब्लड भी आ सकता है। और यदि मरीज की फूड पाइप या इसोफेगस अफेक्टेड है, ऐसे मरीजों को खाना निगलने में दर्द होता है और खाना निगलने या पानी पीने में दिक्कत हो सकती है। और यदि मरीज को स्टमक में अल्सर बन गए हैं, ऐसे मरीजों को खाना खाने के बाद पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है। क्रोन्स डिजीज के पेशेंट में खाना खाने के बाद दर्द हो जाता है तो कुछ लोग खाने का इंटेक कम कर देते हैं, जिससे कि मरीज का वजन कम हो जाता है। क्रोन्स डिजीज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा बाकी हिस्सों को भी अफेक्ट कर सकता है। क्रोन्स हमारी आंखों को भी अफेक्ट कर सकता है, जिससे मरीज को आंखों में दर्द हो सकता है या फिर देखने में दिक्कत हो सकती है। कुछ मरीजों को जोड़ों में दर्द होता है। मोस्टली मरीजों को कमर दर्द होता है या फिर घुटने में दर्द होता है और शरीर के बाकी जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है। कुछ मरीजों में स्किन के ऊपर पेनफुल गांठें बन जाती हैं,
इन्हें हम एरिथमा नोडोसम बोलते हैं। क्रोन्स हमारे लिवर को अफेक्ट कर सकता है, इससे कुछ मरीजों को पीलिया हो सकता है, कुछ मरीजों को लिवर की एक पेक्यूलियर कंडीशन प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस बोलते हैं, जिसमें पित्त की नली में रुकावट आ जाती है जिससे मरीज को पीलिया भी हो सकता है। तो एक बार क्रोन्स का सस्पिशन होने के बाद हम क्रोन्स को कैसे डायग्नोस करते हैं, पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, हम मरीज का हीमोग्लोबिन चेक करते हैं और साथ में लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा हम विटामिंस का लेवल भी चेक करते हैं। ब्लड टेस्ट के बाद हम मरीज की कोलोनोस्कोपी करते हैं। कोलोनोस्कोपी के दौरान हम बड़ी आंत की जांच करते हैं। कोलोनोस्कोपी के लिए पहले हम दवाई पिलाते हैं जिससे मरीज का पेट साफ हो जाता है। कोलोनोस्कोपी के पहले हम मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं ताकि कोलोनोस्कोपी को पेनलेस तरीके से किया जा सके। कोलोनोस्कोपी के दौरान हम पूरी बड़ी आंत को और छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से को, जिसे हम आइलियम बोलते हैं, इन हिस्सों को हम देख सकते हैं। क्रोन्स डिजीज के पेशेंट में हमें बड़ी आंत और छोटी आंत में अल्सर मिलते हैं। इन अल्सर से हम बायोप्सी लेते हैं। छोटी आंत को जांच करने के लिए हम मरीजों का सीटी स्कैन करते हैं और एमआरआई करवा के देखते हैं। सीटी और एमआरआई के दौरान हम छोटी आंत में रुकावट देख सकते हैं और हम छोटी आंत की मोटाई भी देख सकते हैं। क्रोन्स डिजीज के पेशेंट में छोटी आंत की मोटाई बढ़ जाती है। छोटी आंत के स्पेशल टेस्ट हैं कैप्सूल एंडोस्कोपी और एंटेरोस्कोपी। कैप्सूल एंडोस्कोपी के दौरान मरीज कैप्सूल निकलता है। इस कैप्सूल में कैमरा लगा होता है और ये तकरीबन 50,000 फोटो खींचता है और ये फोटो एक डेटा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाती है। बाद में फोटोज को कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं और इनको स्टडी किया जाता है। छोटी आंत का अगला स्पेशल टेस्ट है स्पाइरल एंटेरोस्कोपी। स्पाइरल एंटेरोस्कोपी में हम एंडोस्कोप के साथ एक ओवर ट्यूब भी डालते हैं। ये ओवर ट्यूब रोटेट करती है और रोटेट होने के बाद ये छोटी आंत को हमारे एंडोस्कोप के ऊपर प्लीट करती है या फिर उसको स्कोप के ऊपर लपेटती है, जिससे हम पूरी छोटी आंत को देख सकते हैं। स्पाइरल एंटेरोस्कोपी के दौरान यदि कोई अल्सर मिलता है हम उसकी बायोप्सी लेते हैं और यदि कोई हिस्सा तंग है, नैरो हो गया है, तो उसको हम डायलेट भी कर सकते हैं। छोटी आंत का एक और टेस्ट होता है बैलून एंटेरोस्कोपी। इसमें स्कोप के ऊपर एक बैलून लगाते हैं जिससे भी हम छोटी आंत को स्टडी कर सकते हैं। एक बार क्रोन्स डिजीज को डायग्नोस करने के बाद हम मरीज का इलाज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिजीज सीवियरिटी को डिफाइन करते हैं। इसके लिए हम एक स्पेशल स्कोर क्रोन्स डिजीज एक्टिविटी इंडेक्स को यूज करते हैं और बीमारी को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। क्रोन्स डिजीज के ट्रीटमेंट के दो फेज होते हैं। पहला है इंडक्शन फेज। इंडक्शन फेज में हम मरीज के सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। इसके लिए हम कुछ दवाइयाँ यूज करते हैं। हम मिसालामाइंस या फिर स्टीरोइड्स या फिर बायोलॉजिकल जैसे कि इन्फ्लेक्सिमैब, इन इंजेक्शंस को यूज़ करते हैं। एक बार जब बीमारी कंट्रोल हो जाती है हम मरीज को कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे कि बीमारी दोबारा ना हो। इससे हम मेंटेनेंस थेरेपी बोलते हैं। मेंटेनेंस थेरेपी के लिए हम या तो मिसालामाइन यूज़ करते हैं या फिर एजाथियोप्रिन या फिर बायोलॉजिकल्स का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे क्रोन्स डिजीज की कॉम्प्लिकेशन की। क्रोन्स डिजीज की दो पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्ट्रिक्चर या फिर एब्सेस। कुछ मरीजों में छोटी आंत या बड़ी आंत में सिकुड़न आ जाती है, इसे हम स्ट्रिक्चर बोलते हैं। स्ट्रिक्चर बनने के बाद मरीज को आंतों में रुकावट आ जाती है, इससे पेट में गैस बनती है, मरीज को उल्टियां लग जाती हैं और गैस पास नहीं होती है। स्ट्रिक्चर को स्टडी करने के लिए हम सीटी और एमआरआई करवाते हैं और हम देखते हैं कि ये स्ट्रिक्चर या तो सूजन से है या फिर फाइब्रोसिस से हुआ है। यदि ये सूजन का स्ट्रक्चर है तो ये दवाइयों से ठीक हो सकता है। यदि ये फाइब्रोटिक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब छोटी आंत में स्कार बन गया है, ये दवाइयों से रिस्पोंड नहीं करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर के इलाज के लिए या तो हम सर्जरी करवाते हैं या फिर बैलून से स्ट्रक्चर को खोला जाता है। क्रोन्स डिजीज की अगली कॉम्प्लिकेशन है एब्सेस या फिस्टुला। कुछ मरीजों में एनस के आसपास पस बन जाती है, इसे हम पेरी एनल एब्सेस बोलते हैं। इसे हम दवाइयों से कंट्रोल करते हैं। कुछ लोगों में एब्सेस फटने से फिस्टुला बन जाता है। फिस्टुला से म्यूकस या फिर स्टूल का रिसाव हो सकता है और मरीज के कपड़े खराब हो सकते हैं। फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए पहले हम दवाइयां देते हैं और यदि दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम सर्जरी की सलाह देते हैं। क्रोन्स की अगली कॉम्प्लिकेशन है कैंसर। यदि मरीज को लंबी ड्यूरेशन का क्रोन्स डिजीज है तो ऐसे मरीजों में हम कैंसर स्क्रीनिंग की सलाह देते हैं।
और मरीज को क्रोनोस्कोपी एडवाइस करते हैं। तो यदि किसी को क्रोन्स डिजीज है तो इसमें डरने की बात नहीं है, प्रॉपर इवेल्युएशन और ट्रीटमेंट से हम मोस्टली सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।